मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राखी पवार। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करूंगी और चैनल स्टार्ट करने से लेकर पेमेंट आने तक का जो सफर है, जो जर्नी है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखना है। अगर आपका चैनल है या आपने अभी अभी चैनल बनाया है या आप इस वीडियो को देखकर चैनल बनाने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखना। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी जिससे आप अपने चैनल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और अपनी वीडियो को वायरल भी कर सकते हैं। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो को शेयर भी कर लेना। 21 दिसंबर 2020 को मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था और 23 दिसंबर 2020 को मैंने अपने चैनल पर पहला वीडियो डाला। 5 महीने लगे मुझे अपना चैनल मोनेटाइज कराने के। हमें अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 वॉच आवर चाहिए। 5 महीने में मेरे चैनल पर 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे और मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया था। जो हमें 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए वो भी मेरा कम्प्लीट हो गया था और मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करा लिया। और मोनेटाइज कराने के बाद हमें अपने गूगल एडसेंस पे $10 करने पड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास पिन आता है, ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा पिन आता है। हमारा जो चैनल है, हमारा जो एड्रेस है वो वेरीफाई होता है। मेरे चैनल को 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल में मैंने कम से कम अपने चैनल पर 550 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर दी है और मेरा वीडियो डेली आता है। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, कभी संडे की छुट्टी हो जाती है नहीं तो मेरा जो वीडियो है वो डेली आता है। मैं अपने चैनल पर वेट लॉस से रिलेटेड, ब्यूटी और फिटनेस से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। जब आपका पिन आपके घर पहुंच जाता है तो आपको वो पिन नंबर आपके गूगल एडसेंस में फिल करना पड़ता है और उसके बाद आपके जो बैंक अकाउंट फिल करने का ऑप्शन आपको आ जाता है, वहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट डालना होता है और उसके बाद आपको स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है। स्विफ्ट कोड हर स्टेट का अलग होता है। जब आपके गूगल एडसेंस पे $100 कम्प्लीट हो जाते हैं तो वो $100 या उससे ज्यादा जितने भी आपके उस मंथ में बनते हैं वो आपके जो बैंक अकाउंट में उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। गूगल एडसेंस की तरफ से आपको एक मेल आती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके जो पेमेंट है आपकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। और मुझे जब ये मेल आई थी उसके 24 घंटे के बाद मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए थे। यूट्यूब पर अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो जरूरी है वो पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस के साथ वीडियो बनाएंगे, पेशेंस रखेंगे तो आपका वीडियो कभी ना कभी वायरल जरूर होगा। मेरा वीडियो वायरल नहीं होता था। जो मैं वीडियो बनाती थी वो टॉपिक अगर सर्च में आता था तो सर्च से मेरा वीडियो देखा जाता था। मेरा वीडियो कभी वायरल नहीं हुआ था, लेकिन बहुत दिन से मेरे वीडियो वायरल होना स्टार्ट हुए क्योंकि मैं अपने चैनल पर रेगुलर हूँ, रेगुलर वीडियो डालती हूँ। मैं गैप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो हो जाती है, लेकिन मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो डालती हूँ। 5 से 6 महीने पहले मुझे कोलैबोरेशन के लिए भी मेल आना स्टार्ट हो गई है और अभी भी मेरे पास 6 से 7 मेल पड़ी हुई है कोलैबोरेशन के लिए और मैंने पहले भी कोलैबोरेशन के लिए वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल। अगर आप जाना चाहते हैं कि कोलैबोरेशन का क्या प्रोसेस है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी। रेगुलर वीडियो डालने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे सजेशन भी देते हैं और मुझे रिक्वेस्ट भी करते हैं और मुझे टॉपिक भी बताते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर लेकर आऊंगी। यहां तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब से पेमेंट आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुंच सकती थी और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरह से आप अपना सपोर्ट हमेशा बनाए। मैंने अपने चैनल पर एक ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था 1 महीने के लिए। फिर मैंने 1 महीने के बाद रीअप्लाई किया तो फिर से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। 1 महीने के अंदर मैंने अपनी गलती को सुधारा, अपने चैनल पर सब कुछ ठीक किया और उसके बाद दोबारा से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर कमेंट ज्यादा आएंगे तो मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। ये था मेरा यूट्यूब का सफर जो मैंने आपके साथ शेयर किया, 1.5 साल का जो मेरा सफर है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। और ये है मेरी यूट्यूब पेमेंट। ये है मेरी YouTube पेमेंट। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, फ्रेंड और फैमिली सभी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही मेरे हाथ में आज मेरी YouTube अर्निंग है।
ऐसे ही आप सभी अपना सपोर्ट, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा और मैं आप सभी की रिक्वेस्ट को पूरा करने की हमेशा कोशिश करती रहूंगी। ये थी मेरी छोटी सी YouTube जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर की। चैनल बनाने से लेकर पेमेंट आने तक का सफर मैंने आपके साथ शेयर किया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।